हमारे भारतीय खिलाड़ी किस तरह से भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हार्दिक पंड्या द्वारा एंकर करण जौहर के शो में दिया गया बयान। उन्होंने महिलाओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए यह कहा कि वे अपने माता पिता से अपनी सेक्सुअल गतिविधियों को लेकर बातचीत करते हैं और उन्हें अपने शारीरिक संबंधों की जानकारी भी देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने माता पिता से शेयर करते समय यह भी कहते हैं कि किसी महिला से संबंध बनाने के बाद वे घर वालों को बताते हैं कि मैं कर आया। जी हाँ, इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा कि वे माता पिता के साथ सारी बातों को शेयर करते हैं जो सेक्स से जुड़ी हुई होती हैं। महिलाओं के बारे में भी उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की। कुल मिलाकर यह पूरा मामला ट्विटर पर चर्चा का विषय बना और उसके बाद चौतरफा उनकी आलोचना शुरू हो गई और यह कहा जाने लगा कि हार्दिक पांड्या किस तरह से अपने गंदे बयानों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को मटियामेट करते हुए हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी मी टू मूवमेंट के दौरान BCCI के कार्यालय में एक अज्ञात महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी और उस समय भी हार्दिक पांड्या के खिलाफ जांच बिठा दी गई थी। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या के इस बयान को लेकर बेहद चर्चा हो रही है कि किस तरह से वे भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।